हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों बात करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस और यहां पर अदानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में। अगर बात करें तो पिछले कुछ ही महीने में चाहे आप अदानी पावर लगा लो, चाहे अदानी पोर्ट लगा लो, चाहे अदानी इंटरप्राइजेस लगा लो, कमाल का रिटर्न दिया है। मतलब लोगों के होश उड़ गए हैं, बहुत चक्के रह गए हैं। अब अगर मैं बात करूं अदानी से रिलेटेड स्टॉक्स की, तो जिस तरह से भैया बढ़ते हैं उस तरह से गिरते भी है, रिस्क की स्टॉक्स है आप देखोगे तो। अभी लगातार यहाँ पे कुछ महीने से 195 रुपये से 1600 में लगातार हर महीने में आपको तेजी ही दिख रही है। कब से 2020 से लगातार आपको यहाँ पर तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो फिर एक रेंज में ही, कितने सालों से रेंज में ही था। तो कुल मिला जुला के मैं यही कहूँगा कि रिस्की भी होते हैं, बट यहाँ पे हम ये बात करने के लिए नहीं आए। आज हम बात कर रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेज एक नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, और वो क्या बिजनेस है, इससे क्या आपको फायदा हुआ, क्या आईपीओ आएगा, इसका क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ हम डिटेल में इसमें चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब गाइस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स एंड IIFL में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। यार अगर हमारे लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने ग्रुप में मैं ऐड कर लेता हूं। अभी आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा अदानी किन किन बिजनेस में है, क्या क्या अदानी का काम है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ अदानी लिखूँ, अदानी और मैं न्यू बिजनेस को काट दूँ, सिर्फ अदानी यहाँ पर लिखूँ, तो आपको समझ में आएगा कि अदानी के यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको आएंगे, और यहाँ पर सब्सिडरीज पर अगर क्लिक करूँगा मोर पर तो आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई। देखिए अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विल मार, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी रिन्यूएबल, है ना। मतलब अदानी के कितने बिजनेस हैं और आपको के सोच से परे है, आप काउंटिंग करते रह जाओगे, लिस्टेड अनलिस्टेड मिला के आप काउंटिंग करते रह जाओगे, मतलब इतने बिजनेस इनके है ना। तो बहुत सारे बिजनेस हैं दोस्त यहाँ पर। अगर लिस्टेड की आप बात करोगे तो लिस्टेड भी बहुत सारे हैं अभी, जैसे पॉलीमर का और भी कई सारे का, विलमार का, सॉरी पॉलीमर मैं गलत बोलते हैं, विलमार का आईपीओ आने की बातें चल रही थी। ये देखिए यहाँ पर सारे हैं इसके, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सारे पूरा अदानी के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, है ना। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वहाँ पे एक और सेक्टर में ये एंट्री लेने लगे। वो सेक्टर कौन सा है जी? बिल्कुल वो सीमेंट का सेक्टर है। सीमेंट में भैया अदानी ग्रुप शामिल हो रहा है और सीमेंट के स्टॉक्स को टक्कर देने वाला, सीमेंट की कंपनीज को टक्कर देने वाला है। एक तो इनके पास क्लाइंट बेस स्टार्टिंग से ही है, क्लाइंट बेस बहुत सारे हैं, और साथ ही साथ जब ये सीमेंट में एंट्री करेंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ऐसा कि मतलब ऐसा जो परेशान हो या फिर उनको ढूंढना पड़े कस्टमर या फिर उनको बिजनेस सेटअप करने में टाइम लगे, चला चलाया बिजनेस होगा उनके लिए। तो अदानी ग्रुप अभी सीमेंट में, और सीमेंट अगर मैं बात करूँ सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सीमेंट नहीं, हर तरह के सीमेंट, चाहे वो व्हाइट सीमेंट, ब्लैक सीमेंट, जो भी सीमेंट्स आते हैं, हर तरह के सीमेंट में अदानी एंट्री करने वाला है। तो इसके अपडेट में कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो गौतम अदानी फॉरेस्ट इनटू सीमेंट बिजनेस सेटअप, अदानी सीमेंट इंडस्ट्री ACIL, यहाँ पर ACIL के नाम से आने वाला है, ACIL यहाँ पर अगर देखा। और ये जो होगा दो, ये जो इनक्रप्टेड कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं कंपनी को, ये होली ओन सब्सिडरी किसकी होगी? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये होली ओन सब्सिडरी होगी। यहाँ पर शायद नहीं लिखा है, अदानी इंटरप्राइजेस की होली ओन सब्सिडरी ये होने वाली है। यानी एक एक कंपनी है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, एक मिनट समझ लीजिए, ये यहाँ पर शायद से हो, मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए अदानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस के अगर नाम सामने आपको आ रहा है तो अदानी इंटरप्राइजेस एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है। वो अपना एक और कंपनी यहाँ पर सेटअप कर रही है जिसका पूरा का पूरा 100% स्टेक जो है वो अदानी इंटरप्राइजेस के पास होगा। तो आपको पता है यार, अदानी इंटरप्राइजेस जब नया बिजनेस में आएगा, नया बिजनेस करेगा तो ऑब्वियसली बात है इनके स्टॉक्स में भी तेजी आनी है, स्टॉक्स में भी जंप आना है। तो कल का दिन अदानी इंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा देखने वाला होगा, समझने वाला होगा। हो सकता है आपको एक अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि अदानी के शेयर्स के लिए भैया अपर सर्किट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब अदानी का जो ACIL आ रहा है सीमेंट के बिजनेस में, ये आ रहे हैं तो हिट किनको पड़ेगा, इफेक्ट किनको पड़ सकता है? तो अगर मैं यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स लिखूं तो बहुत कंपनियां आ जाएगी, बहुत, है ना। यहाँ पर मैं सीमेंट लिस्टेड कंपनीज दिख रहा हूँ, आप कंपनीज के नाम देखोगे आप खुद हैरान हो जाओगे, इतने कंपनीज मिलेंगे आपको, रेमको, बिरला, JK सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, और भी 19 यहाँ पे, 19 नहीं सिर्फ बहुत सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर
मिलने वाले हैं भाई बहुत सारे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये कोई वेबसाइट पे ओपन करेगा, ये देखिए कितने सारे स्टॉक्स हैं। देखिए नाम देखिए आप, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो जो मेन दिग्गज यहाँ पे हैं ACC, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, इन लोग को थोड़ा सा हिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट देखिए जब क्या होता है, नए नए बिजनेसेस, एक पहले कोई एक सेक्टर है उस सेक्टर में वो सर्व करता है 2 बंदा 4 बंदा 3 बंदा, लेकिन जब उस सेक्टर में कंपटीटर्स नए नए आते हैं तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आती हैं बिजनेसेस के लिए। तो अदानी भी छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, तो डिफिकल्टीज हो सकता है आ सकती है इससे। कल हो सकता है सीमेंट सेक्टर पर थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिल जाए, सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा सा प्रेशर दिखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं किसी भी स्टॉक को आपको एग्जिट नहीं करने को कह रहा हूँ। ये टेम्परेरी होता है कि कोई न्यूज़ आया, न्यूज़ बेस्ड जो इवेंट्स भी जो होते हैं ना मूवमेंट्स, वो टेम्परेरी होता है, हो सकता है थोड़ा सा डिप आ जाएगा, फिर उसके बाद उसे चलना ऊपर। ये जो अच्छे स्टॉक से चाहे ACC लगा लो, चाहे अल्ट्राटेक लगा लो, है ना। तो इसके वजह से मैं किसी भी स्टॉक से आपको एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मुझे मैसेज आया था कि भैया अदानी के सीमेंट का IPO आ रहा है क्या, तो आपको बता दूं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये अदानी इंटरप्राइजेस का होली ओन सब्सिडरी रहेगा, तो यहाँ पे कोई IPO की बात नहीं है। हाँ, फ्यूचर में कभी अगर फंड रेज करना चाहे कंपनी तो हो सकता है IPO अनाउंस कर दे, जैसे कि अभी आपको फॉर्च्यून, आपको पता है ना, अगर मैं यहाँ पर अदानी विलमार लिखूँ, ठीक है ना, एक मिनट, अदानी विलमार, तो आप खुद देख पाओगे कि अदानी विलमार क्या कंपनी है, क्या करती है। जो आप घर में चीज़ें यूज़ करते हो ना, ये देखिए फॉर्चून का जो आप तेल यूज़ करते हो ना, वो इनका ही ब्रांड है फॉर्चून का। जो भी आप अरहर दाल हो गया, दाल, तेल, तिलहन, जो भी है, ये सब इनका ही है। तो इसके रिलेटेड IPO की बातें चल रही है, अगर आप यहाँ पर अदानी विलमार IPO भी लिखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड एक और IPO का सामने नज़र आ रहा है, अदानी रिन्यूअल का हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 दिन पहले का ही न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए बम्पर कमाई करने वाला मौका, गौतम अडानी का IPO आने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा, इस पर मैं क्लिक करूँ तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। ये देखिए यहाँ पर अदानी विलमार का IPO, $1 अरब जुटाने की उम्मीद दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको विलमार का IPO मिलता हुआ नजर आ जाए, जो कि ब्रांडेड तेल का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कितना सारा कारोबार है, देखिए आप 1999 में कंपनी की स्थापना हुई थी, सिंगापुर की विलमार का जॉइंट वेंचर है ये। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी दोस्तों, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये करते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट पे आऊँगा। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है 1570 का, 1570 का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहो तो इसको लॉन्ग कर सकते हो। अपकमिंग टारगेट आपको 1800 का बहुत जल्द जो है वो दिखने वाला है। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही आपको अपडेट करना था यार। मार्केट से अपडेट रहा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप अपडेटेड रहेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो ना, तो हर एक चीज़ का आपको शू होना चाहिए। कोई भी स्टॉक का अगर नाम लेते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए यस इसका मतलब ये। अभी रिसेंटली एक कंपनी ने 200 रुपये का डिविडेंड दिया है, और बात करें तो स्प्लिट दिया है, बोनस दिया है, और अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी पेश किए, 2 दिन हुए हैं। तो आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा उस कंपनी का नाम क्या है। हमने वीडियो भी बनाया था उस कंपनी पे, अगर आपको नाम पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। देखते हैं आपका जनरल नॉलेज स्टॉक मार्केट से कितना ज़्यादा आप कनेक्टेड हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।